बीजेपी हाय 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 रंगलेट पार्टी लागू करो लागू करो लागू करो मुर्दाबाद 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 रंगलेट पार्टी लागू करो लागू करो लागू करो बीजेपी हाय 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 देश के हित में करेंगे काम काम करेंगे पूरे काम जे एंड के गवर्नमेंट मुर्दाबाद 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 जे एंड के गवर्नमेंट मेरा नाम गुणेश कुमार है। मैं यूनाइटेड फ्रंट का एक मेंबर हूं। आज हमने जो प्लान बंद किया हुआ है, कई प्लान ऐसी तरह बंद रहेंगे, लेकिन हम वापस जाने वाले नहीं हैं। अगर हमारी पार्टी नहीं मिलती है तो हम घर जाने वाले नहीं हैं। हमारे बच्चों का सवाल है, हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन को, हमारी पार्टी दे दीजिए। बीजेपी वाले कहते हैं हम देंगे, कब देंगे? हमारे साथी कुछ मर चुके हैं, कोई घर चला गया है, किससे मांगेंगे? हमारा एक भाई की घरवाली बीमार है, आप जाके हॉस्पिटल में देखिए उसकी क्या हालत हो चुकी है, क्योंकि किसी के साथ ऐसी दुख दर्द कहानी ना हो जो उसकी घरवाली के साथ है। जो हमारे पैसे आए हुए हैं उसको भी नहीं दे रहे हैं। यार कौन सी ये बातें करते हैं, कहते हैं हमने करना है, कब करना है? जब हमारी जान चली जाएगी। अब हम पानी बंद करके रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। हम 24 घंटे यहाँ बैठे हुए हैं, देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है। अगर हम जाना चाहते हैं तो बाहर भी जा सकते थे। आपने देखा होगा बीजेपी वालों की रैली निकली, उनके खिलाफ हमने नारेबाजी की है। हम आप पीछे हटने नहीं हटने वाले हैं। अगर वापसी नहीं, कार वापसी नहीं। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। बंद कर दिए, इसके बारे में बताइए जरा। हमने पहले ही बोला था कि ये शांतिपूर्वक आंदोलन जो 115 दिन से लगातार चल रहा है, अब हम लोग गांधी वाली नीति छोड़ रहे हैं। अब हमें भगत सिंह बनने की जरूरत है। अब हम लोग लाठियां और गोली खाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज ये पंपी स्टेशन बंद किया तो कल चीफ ऑफिस में बड़े बड़े ताले जड़े जाएंगे। उसके बाद अगर रोडों पे हमें पंप पर लाठी या गोली चलती है, हम लोग उसके लिए पूरी ढंग से तैयार। बहुत टाइम देख लिए, 110-15 दिन देखे कि एलजीपी शासन, जे एंड के की बीजेपी रहो चाहे केंद्र सरकार की रहे, इनका मुंह देखते हुए हमें 115 दिन हो गए। अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब जे लड़ाई आखिरी निर्णायक लड़ाई, इस लड़ाई के लिए जो कुछ करना पड़ेगा, जिस हद तक जाना पड़ेगा, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। ये लड़ाई हमारे बच्चों की है। हम किसी प्रशासन को अपने बच्चों के साथ दगाबाजी करने के लिए टाइम नहीं दे सकते। 114 दिन दे दिए, अब ये हर दिन एक नया स्टेप हुआ। जैसे रजौरी का कार्यक्रम देखा, आज का ये पंपी स्टेशन बंद, कल एक से भी बड़ा नया कार्यक्रम होगा। हम लोग हाथ जोड़ जोड़ के देख लिए, एलजी प्रशासन जम्मू वालों को शराब पिलाने में माहिर है, वो जम्मू को जनता को शराब में डूबने के चक्कर में है। हम लोग बच्चों के लिए खाना मांग रहे हैं, हम लोग बच्चों के लिए एजुकेशन मांग रहे हैं, उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं। इसके लिए आपके माध्यम से सब स्पष्ट चेतावनी एलजी प्रशासन को कि अब जे जम्मू का डोगरा, अब जे जम्मू के लोग चुप करके बैठने वाले नहीं। हमारे बच्चों का जिंदगी और फ्यूचर का मसला है। जो प्रशासन हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ करेगा, उस प्रशासन को उखाड़ के फेंक देंगे।